लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। गोंदिया विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे करोड़पति प्रत्याशी, चुनाव अधिकारी के पास दिया है यह खुलासा। अपने नामांकन में दर्शाए गए आंकड़ों से हुआ है। इनमें कांग्रेस उम्मीदवार अमर वराड़े की लगभग 13 लाख चंद व 44 लाख रुपए अचल संपत्ति है। वराड़े ने अपने चुनावी हल्फनामे में 24,14,297 रुपए का कर्ज होने की जानकारी दी है। उनके पास एक दुपहिया, 4 JCP व 2 टिप्पर है। उनके पास 3 लाख रुपए का 100 ग्राम सोना भी है। पत्नी के पास 150 ग्राम सोना, एक्टिवा व एक चौपहिया वाहन है। इसके अलावा बीमा बैंक खाते में 18,12,391 व अचल संपत्ति 21 लाख पत्नी के नाम पर रखा है। विनोद अग्रवाल के पास वाहन नहीं है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक यह पता चला है कि गोंदिया निर्दलीय उम्मीदवार विनोद अग्रवाल के पास 1,12,70,930 रुपए की चल व 91,56,083 रुपए की अचल संपत्ति है। उन पर कर्ज नहीं है, न उनके पास वाहन है, न सोना है। पत्नी के नाम पर बैंक बचत के नाम पर 800 ग्राम सोना, चल संपत्ति 16,52,921 रुपए अचल संपत्ति है। कुल 4,10,84,880 रुपए है। तिरुड़ा विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी है। उनमें सबसे अमीर राष्ट्रवादी कांग्रेस के रविकांत खुशाल बोपचे हैं। उनके पास 5,71,22,628 रुपए चल संपत्ति है। साथ ही 4,41,81,292 रुपए अचल संपत्ति है। कुल 10,13,03,920 की संपत्ति है। अपने हल्फनामे में दर्ज की है उन पर 1,91,42,656 रुपए का कर्ज भी है। उनके पास ट्वेटा कार, यामाहा अल्ट्रा कार व 5 तोला सोना है। पत्नी के पास होंडा माजा कार के अलावा 15 तोला सोना है। बैंक में 20,51,080 रुपए की बचत है। राहंगडाले की पत्नी के पास 12 लाख के आभूषण। भाजपा उम्मीदवार विजय राहंगडाले अपने हल्फनामे में 3,25,73,501 रुपए चल संपत्ति व 1.35 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की घोषणा की है। उन पर कर्ज 9,46,815 रुपए का कर्ज है। उनके पास 19,53,538 रुपए मूल्य की डस्टर, 61,53,538 रुपए की मूल्य की 3 JCP तथा 24,25,492 रुपए मूल्य की फॉर्चुनर व एक बुलेट वाहन का मालिक होने की जानकारी मिली है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।